So today we are beginning with the new subject, cost and management accounting. In the cost and management accounting, we have already covered unit number one. Theoretical portion of this subject is already covered in the unit number one. Now we are today beginning with the unit number two. Now in this unit number two, we have to understand three important elements of cost. One is material, second is labor cost, and third one is overhead cost. In the first unit, we have already discussed that when we are manufacturing any product, it involves direct cost related to cost of material, cost of labor, that is wages, and overhead cost. So all these things we will discuss in this unit number two. Now I am taking in that first chapter. It has total three chapters. Out of that, I am taking the first chapter. And that chapter is material costing. That is the cost of material consumed. जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग तरह का मटेरियल की जरूरत पड़ती है. जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर आप मकान बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो उसके कंस्ट्रक्शन में हमें ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, सीमेंट का जरूरत पड़ता है, सैंड रेती का जरूरत पड़ता है. तो ये सारी जो चीजें हैं वो मटेरियल की काउंटिंग में होगा. सिमिलरली इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग द रेडीमेड गारमेंट्स, सपोज यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द रेडीमेड गारमेंट्स, तो उसमें कपड़ा लगेगा, जो रेडीमेड गारमेंट्स है उसको बनाने के लिए जो कपड़ा लगता है वो मटेरियल, उसको डायरेक्ट मटेरियल हम बोलेंगे. तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दैट हाउ टू फाइंड दिस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हाउ टू डिसाइड द कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल. देर आर डिफरेंट मेथड्स of valuing this material cost. We will also call it inventory. Inventory of material. Inventory का मतलब होता है stock. तो stock of material. Last year आपने final accounts पढ़ा था तो आपको पता होगा final accounts में हम trading account में credit side लिखते हैं closing stock और starting में लिखते हैं opening stock. तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो कैलकुलेट करना होता है. तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ दिस इन्वेंटरी इज वैल्यूड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मटेरियल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस मटेरियल इज वैल्यूड. थोड़ा थियोरिटिकल पोर्शन आएगा इसमें और बाद में हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे मटेरियल के वैल्यूएशन की और इसमें अलग अलग मेथड्स हैं. तो स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर वन मटेरियल कॉस्टिंग, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि मटेरियल है क्या, मटेरियल किसे बोलेंगे. तो ऐसे तो हम सबको पता है कि मटेरियल क्या होता है. जब भी कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो उसमें जो चीजें यूज होती है उसे मटेरियल कहा जाता है. जैसे कि आप फर्नीचर बना रहे हो, इफ यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फर्नीचर आइटम्स, से फॉर एग्जांपल सोफा सेट, डाइनिंग टेबल एटसेट्रा, सो इन दैट द वुड विच इज यूज्ड, सनमाइका विच इज यूज्ड, प्लाईवुड विच वी हैव टू यूज, दे ऑल आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. मटेरियल दो तरह का होता है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है. डायरेक्ट मटेरियल मतलब वो चीजें कि जिसको हम डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, जिसके बिना प्रोडक्ट बन ही नहीं सकती. जैसे कि फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर के लिए जो वुड यूज होता है, जो सनमाइका यूज होगा, जो प्लाईवुड यूज होगा, दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल. अपार्ट फ्रॉम दिस there are so many other items of material which are used in the production process, but they cannot be allocated to particular item.
जैसे कि आप फैक्ट्रीज में जाओगे तो फैक्ट्रीज के अंदर मशीन को अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए ऑयल का यूज होता है, कंज्यूमेबल ऑयल्स। वहां पे वेस्ट क्लॉथ होता है मशीन सफाई करने के लिए या तो और दूसरे पर्पसेस के लिए। तो ये सारा भी मटेरियल है, इसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। तो मटेरियल दो तरह का होगा, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मटेरियल। सो मटेरियल रिफर्स टू ऑल कॉमोडिटीज दैट आर कंज्यूम इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। तो वो सारी चीजें जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज होती है उसको मटेरियल कहा जाएगा। प्रैक्टिकली आपको पता ही है कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल कैन बी डिफाइंड, अब उसका डेफिनेशन दिया है, इट कैन बी डिफाइंड एनी थिंग दैट कैन बी स्टोर्ड, स्टैक एंड स्टॉक फिल्ड। डेफिनेशन बहुत छोटी है पर इसमें बहुत सारी चीजें बोली है। इट कंटिन्यूज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी। एक दूसरा भी सिंपल सा मीनिंग दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। तो मटेरियल इट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस। किसी भी आइटम्स का प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी आइटम्स जो हम यूज करते हैं या तो कोई भी कॉमोडिटी यूज करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, फर्नीचर के लिए वुड यूज होगा, रेडीमेड गारमेंट में कपड़ा यूज होगा, तो इसको मटेरियल कहा जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जितने भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो कंपनी खुद नहीं बनाती है, कुछ स्पेयर पार्ट्स वो दूसरी कंपनी से खरीदती है। तो कार के मैन्युफैक्चरिंग में जो स्पेयर पार्ट्स यूज हो गए दैट इज द मटेरियल। सो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिकल लाइफ में आप में मिल जाएंगे। तो वो जो मटेरियल यूज होता है उसकी कॉस्ट, उसको मटेरियल कॉस्ट कहा जाता है। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज द डायरेक्ट मटेरियल एंड सेकंड इज द इनडायरेक्ट मटेरियल। जब भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम बना फाइंड करना चाहते हैं या तो किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर आपको फाइंड करना है तो उसमें आपको दो तरह का मटेरियल का कॉस्ट लगाना पड़ेगा, कि डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ, जैसे कि वुड कितना यूज हुआ, कपड़ा कितना यूज हुआ रेडीमेड गारमेंट में, और उसी तरीके से इनडायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली जुड़ा नहीं है पर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी जरूरत होती है। जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स में अगर आप कपड़े बना रहे हो तो उस कपड़ों को सीने के लिए मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, तो उस मशीन्स में जो ऑयल लगता है या तो वेस्ट कपड़ा जो लगता है, तो वो सारी चीजें जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल में काउंट होगी, उसकी भी कॉस्ट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल, सो द मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द इंडिविजुअल यूनिट आर नोन एज द डायरेक्ट मटेरियल, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट के बनाने के लिए ये वाला मटेरियल यूज हुआ है, डायरेक्टली हम बता सकते हैं, तो दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल। दिस मटेरियल फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, ऑल कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू ऑब्टेन डायरेक्ट मटेरियल आर नोन एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो जो भी वुड है, सनमाइका है, प्लाईवुड है, उसकी जो कॉस्ट होगी उसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहा जाएगा। तो हमारे पास दो तरह का मटेरियल कॉस्ट आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसमें जो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसको ओवरहेड कहा जाएगा। रिमेम्बर, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको कॉस्ट की लैंग्वेज में ओवरहेड कहा जाता है। तो हमारे पास थ्री टाइप्स के ओवरहेड हो जाएंगे, एक तो मटेरियल का ओवरहेड हो जाएगा, देन लेबर दैट इज वेजेस ओवरहेड हो जाएगा, एंड अदर एक्सपेंसेस हो जाएगा। और डायरेक्ट कॉस्ट में बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर, एंड इस तरीके से आपको दो तरह से मटेरियल काउंट करना है, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल का एक एग्जांपल दिया है वो देख लो। एग्जांपल इज गिवन, से फॉर एग्जांपल लेदर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शूज। अगर एक शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो लेदर का यूज होगा या तो और कोई भी मटेरियल जो लोग यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज एंड चप्पल्स, दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल।
सेकंड एग्जांपल इज गिवन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ. अगर कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, अभी मैंने एग्जांपल दिया रेडीमेड गारमेंट का, अब हम बात करते हैं कि जो कपड़ा हम यूज कर रहे हैं उस कपड़े बनाने वाली कंपनी में. तो इन द टेक्सटाइल मिल व्हाट मटेरियल दे यूज, सो दे यूज द यार्न. तो पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, सुतराव का कपड़ा होता है, तो उसमें जो अलग अलग तरह का जो यार्न यूज होता है दैट इज द मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि उसके बिना वो प्रोडक्ट बनती नहीं है. इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? तो इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है कि जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली जुड़ा नहीं होता है, जो प्रोडक्ट में दिखता भी नहीं है, पर उसकी जरूरत पड़ती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट. सो इनडायरेक्ट मटेरियल डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट. आपकी फिनिश प्रोडक्ट में वो दिखेगा नहीं. जैसे कि अगर आपने फर्नीचर आइटम्स बनाया है, तो फर्नीचर आइटम में आपको वो सनमाइका है, प्लाईवुड है, जो वुड यूज हुआ है वो दिखेगा हमको, तो दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल. बट अपार्ट फ्रॉम दिस सो मेनी अदर आइटम्स आर ऑल्सो यूज विच कांट बी सीन बट विदाउट विच दैट प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर. सो वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा. इनडायरेक्ट मटेरियल कैन नॉट बी एक्यूरेटली एलोकेटेड टू पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. अब जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो बहुत सारी जगह पे यूज होता है. जैसे कि लुब्रिकेंट्स ऑयल होता है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है, कॉटन का जो वेस्ट लगता है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि सभी प्रोडक्ट में उसका यूज होगा, तो किसी एक प्रोडक्ट के साथ उसको जोड़ नहीं सकते हो आप. तो दे आर द इनडायरेक्ट मटेरियल. सो दो तरह का मटेरियल हो गया. इस मटेरियल की जो कॉस्ट लगती है उसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहा जाएगा. अच्छा, इसमें क्या आएगा? तो मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ मटेरियल. आपने जो मटेरियल परचेस किया वो उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द स्पेयर पार्ट्स, ऑल द कंपोनेंट्स विच यू हैव यूज, जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट भी कहेंगे, फ्रेट इनवर्ड. आप कहीं से परचेस करते हो तो आपको अगर रेलवे से वो प्रोडक्ट मटेरियल मंगाया है तो आपको रेलवे चार्जेस पे करने पड़ेगा, या अगर ट्रक से मंगाया है तो ट्रक के चार्जेस पे करने पड़ेंगे. तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं, या तो जो भी टैक्स लगा है परचेस के ऊपर, आजकल पता है आपको जीएसटी लगता है हम कुछ परचेस करते हैं, तो वो टैक्सेस उसमें आ जाएंगे. अगर कोई ड्यूटीज पे किया है या तो इंश्योरेंस लिया है, तो ये सारी चीजें मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड होगी. खाली मटेरियल का ही कॉस्ट नहीं लगेगा, पर मटेरियल के साथ जुड़ी हुई जितनी और कॉस्ट है, जैसे कि आपने बहुत बिग क्वांटिटी में मटेरियल खरीदा है तो आपने उसका इंश्योरेंस लिया है, जैसे कि ट्रांजिट इंश्योरेंस लिया है कि जहां से खरीदा है वहां से आपकी फैक्ट्री तक आए तब तक का इंश्योरेंस लिया है, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा. अगर कोई टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, या तो टोल टैक्सेस आते हैं रास्ते में, जहां से आपने खरीदा है वहां से आपकी फैक्ट्री तक आने तक अगर कोई टोल टैक्स लगता है, ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस है, ये सारी चीजें भी उसमें ऐड हो जाएगी. नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग द मटेरियल. अब देखो, जो मटेरियल खरीदा है उसकी कॉस्ट कैसे डिसाइड करनी, तो इसमें अलग अलग मेथड है. एक मेथड का नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. दिस इज द मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन. आपका जो मटेरियल है उसकी वैल्यूएशन की ये मेथड है कि इसमें हम किस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे. मेथड बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो आप फैक्ट्रीज के बारे में समझ लो. फैक्ट्रीज में क्या होता है, एक तो प्रोडक्शन यूनिट होता है और दूसरा स्टोर डिपार्टमेंट होता है. स्टोर डिपार्टमेंट में सारा मटेरियल रखा हुआ होता है और एज पर द रिक्वायरमेंट फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट या तो वो जो मटेरियल है वो सप्लाई किया जाता है. जो स्टोर मैनेजर होता है वो स्टोर मैनेजर फैक्ट्री में जितना रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से मटेरियल सप्लाई करेगा. अब मटेरियल जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि पूरे साल का हम एक इकट्ठा खरीद लेते हैं. जैसे जैसे हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी होती है या तो मार्केट में मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है, उसके हिसाब से हम मटेरियल खरीदते हैं. तो जो प्रोडक्शन यूनिट है उसने बहुत सारा मटेरियल खरीदा होगा, अलग अलग डेट्स पे खरीदा होगा. अब जब आप अलग अलग डेट्स पे मटेरियल खरीद रहे हो तो सबकी प्राइस भी अलग होगी. जैसे कि एक महीने पहले जो मटेरियल खरीदा उसका प्राइस कुछ अलग दिया होगा आपने, आज मटेरियल खरीदा तो उसकी प्राइस कुछ अलग होगी. तो स्टोर डिपार्टमेंट में जो भी मटेरियल होगा
वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स का होगा और उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होगी। अब सवाल ये बनता है कि जब फैक्ट्री में मटेरियल सप्लाई किया जाएगा तो कौन सा मटेरियल सप्लाई करेंगे, 1 month पहले खरीदा वो सप्लाई करेंगे, या 2-3 दिन पहले खरीदा वो सप्लाई करेंगे, या तो आज जो खरीदा वो सप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड सेज दैट इन दिस मेथड मटेरियल विच इज परचेज फर्स्ट विल बी सप्लाइड फर्स्ट और विल बी सोल्ड आउट फर्स्ट। अगर स्टोर डिपार्टमेंट से फैक्ट्री में वर्कशॉप में अगर मटेरियल देना है तो हम सप्लाई बोलेंगे कि मटेरियल विच इज परचेज फर्स्ट विल बी सप्लाइड फर्स्ट इन द फैक्ट्री। अगर सेलिंग की बात है, हम मटेरियल खरीद के डायरेक्ट सेल कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा कि मटेरियल विच इज परचेज फर्स्ट विल बी सोल्ड आउट फर्स्ट। दैट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैथड। सो फिफो इज अ मैथड ऑफ प्राइजिंग द इश्यू ऑफ मटेरियल यूजिंग द परचेज प्राइज ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट ऑफ द स्टॉक। तो जो आपने पहले खरीदा है वो ओल्ड हो जाएगा। मान लो 3 डेट को आपने मटेरियल खरीदा है, एक मटेरियल मान लो आपने 1 जनवरी 2023 को खरीदा है, एक मटेरियल आपने मान लो 1 फरवरी को खरीदा है 1 फरवरी 2023, और तीसरा मटेरियल आपने मान लो खरीदा है 1 मार्च 2023। तो फर्स्ट डेट मैंने बताई, एक तो जनवरी की, दूसरी फरवरी की और एक मार्च की। तो अब मैं इसमें सबसे ओल्ड मटेरियल कौन सा हो गया, तो इसमें सबसे ओल्ड मटेरियल हो गया 1 जनवरी वाला। तो जो 1 जनवरी वाला मटेरियल है उसको पहले सप्लाई किया जाएगा, जो पहले खरीदा उसको पहले सप्लाई करो। दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसलिए इस मेथड का नाम है फीफो मेथड। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपने जो फर्स्ट मटेरियल खरीदा होगा तो 100% उसकी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि हमने वो बहुत पहले खरीद लिया होगा। तो जब आप वो मटेरियल सप्लाई करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन चलता रहता है, प्राइजेस बढ़ती रहती है। तो जो लेटेस्ट मटेरियल आपने परचेस किया होगा, लेटेस्ट प्रोडक्ट जो आपने खरीदा होगा, उसकी कॉस्ट मे बी पॉसिबल ज्यादा हो। अगर आप वो सप्लाई करोगे तो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो फीफो मेथड का एक एडवांटेज ये है कि इस मेथड में जो पुराना मटेरियल है, जो हमने पहले खरीदा है, हो सकता है कम प्राइस में खरीदा हो, तो वो मटेरियल हम सप्लाई करेंगे, फैक्ट्री में सप्लाई करेंगे। अगर आप डायरेक्ट सेल करते हो तो वो मटेरियल आप पहले सेल करोगे, तो इससे बेनिफिट ही होगा। अगर आप डायरेक्टली सेल करते हो तो कस्टमर को आप जो प्राइस चार्ज करोगे कम प्राइस चार्ज करोगे। मार्केट में दूसरे प्रोड्यूसर्स जो होंगे, दूसरे सप्लायर जो होंगे, वो ज्यादा प्राइस लेते होंगे, क्योंकि वो लोग लेटेस्ट खरीद कर बेचने वाले होंगे। जबकि हम क्या कर रहे हैं, पुराना मटेरियल जो है हमारे पास, जो हमने कम प्राइस में खरीदा था, नो डाउट क्वालिटी सेम, वो सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारी कॉस्ट कम होगी, इसलिए हमारी प्राइस भी कम होगी, तो कस्टमर को भी बेनिफिट होगा। दूसरा, हमारी मटेरियल की कॉस्ट कम दिखेगी हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा दिखेगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सो इन दिस मेथड द सिंपल थिंग इज द मटेरियल विच इज परचेज फर्स्ट इज सप्लाइड फर्स्ट। या तो आप ऐसा बोल सकते हो, द मटेरियल विच इज परचेज फर्स्ट इज सोल्ड आउट फर्स्ट। It is assumed that the first material to come into store will be first material to be used. यहाँ पे ऐसा assumption लेके चल रहे हैं कि जो material पहले आपने store department में आया है वही material पहले supply किया जाएगा। तो वहाँ पे जो storekeeper होगा, वो storekeeper अपना जो stock ledger बनाएगा, उसमें वो इसी तरीके से entry करेगा। Whenever order from the factory will come or whenever order from the customer will come, he will supply the material which is purchased first, that is the older material will be supplied first. चलो यहां तक इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को फीफो मेथड में, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज करना है तो पहले इतना आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। प्लीज टेल मी, आपको समझ में आ रहा है फीफो मेथड में क्या हो रहा है? Yes, sir. Okay. अच्छा, इस मेथड के एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू प्राइस द इश्यू। आपने जो इश्यू किया है मटेरियल,
उसकी प्राइस आप इजीली डिसाइड कर सकते हो, कौन सी प्राइस चार्ज करेंगे, तो जो पहले खरीदा वही वाली प्राइस चार्ज करेंगे। इट इज अ गुड स्टोर कीपिंग प्रैक्टिस। तो फैक्ट्रीज में जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है उनको रिकॉर्ड रखना होता है कि कितना मटेरियल कब खरीदा, जो मटेरियल पड़ा है उनके पास उसकी कॉस्ट क्या है। तो इस मेथड को यूज करने से होगा क्या, इजीली दे कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ स्टॉक अवेलेबल एंड द कॉस्ट ऑफ स्टॉक सप्लाइड। जो स्टॉक सप्लाई किया है, जो मटेरियल सप्लाई कर किया है, उसकी कॉस्ट पे वो लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। दे हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द ओल्डर प्राइस एट विच इट इज परचेज एंड द नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइड। इट एंश्योर्स दैट रॉ मटेरियल लिव्स द स्टोर इन एक्नोलॉजिकल ऑर्डर। एक्चुअली इट इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड इन देयर एज। तो फैक्ट्री में जो भी मटेरियल होगा वो मटेरियल डेट वाइज वो लोगों ने अरेंज किया होगा, डेट वाइज उसका रिकॉर्ड रखा होगा। एज का मतलब है यहाँ पे डेट। तो जो पहले वाला मटेरियल हमने परचेस किया है वो उसको हम पहले सप्लाई कर देते हैं, तो अब हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में वो मटेरियल पड़ा होगा जो हमने अभी लेटेस्ट परचेस किया है, क्योंकि वो अभी हमने सप्लाई नहीं किया होगा फैक्ट्री में। तो इट एंश्योर्स दैट द रॉ मटेरियल लीव द स्टोर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस में जाएगा, डेट वाइज जाएगा। फर्स्ट परचेस मटेरियल विल बी सप्लाइड फर्स्ट, फिर से ऑर्डर आता है तो जो दूसरा मटेरियल खरीदा है दैट विल बी सप्लाइड। सो इट इन्वॉल्व्स लेस क्लेरिकल कॉस्ट देन द अदर मेथड्स। तो क्लेरिकल वर्क यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, ये इसका एडवांटेज है। दिस मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज एक्सेप्टेबल अंडर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। तो मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट प्रिफर दिस मेथड। द इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट द मोस्ट रिसेंट मार्केट प्राइस एंड इट इज नियर टू द वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस मेथड में क्या होगा कि हमने जो पुराना मटेरियल है वो सप्लाई कर दिया है, जब भी फैक्ट्री से ऑर्डर आया है तो कस्टमर से ऑर्डर आया है, तो जो हमारे पास पुराना वाला मटेरियल है वो हमने सप्लाई कर दिया होगा। तो अब हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में वो मटेरियल होगा जो हमने लेटेस्ट खरीदा हुआ है। तो अगर आपको उसकी कॉस्ट जाननी हो तो आप क्या कर सकते हो, जो लेटेस्ट प्राइस है और जो मटेरियल है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसकी कॉस्ट इजीली मिल जाएगी। और वो लेटेस्ट वाला मटेरियल है तो वो मार्केट में जो प्राइस चलती है उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का जब भी वैल्यूएशन किया जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक में जो मटेरियल होगा वो लेटेस्ट प्राइस वाला होगा, लेटेस्ट मार्केट प्राइस वाला होगा। अच्छा, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देयर इज नो सर्टेनिटी दैट मटेरियल व्हिच हैव बीन स्टॉक लॉन्गेस्ट विल बी यूज्ड इफ दे आर मिक्स अप विद द अदर मटेरियल परचेज एट अ लेटर डेट और डिफरेंट प्राइस। अच्छा, इस मेथड को सही तरीके से यूज करना हो तो आपका पुराना मटेरियल नए मटेरियल के साथ मिक्सअप ना होना चाहिए। अगर स्टोर डिपार्टमेंट में उसको सही से स्टोर नहीं किया गया है या तो उसका सही से रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो क्या होगा, पुराना मटेरियल और नया मटेरियल मिक्स हो जाएगा। और अगर एक बार मिक्स हो गया तो वी कांट से विद द श्योरिटी दैट वी हैव सप्लाइड द ओल्डर मटेरियल, तो वहां पे कॉस्ट कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होगी। इसीलिए सारी कंपनीज जो होती है अपना स्टोर मैनेजर अपॉइंट करती है। स्टोर मैनेजर जो होता है स्टोर स्टॉक लेजर बनाता है जिसमें कौन सा मटेरियल किस डेट को खरीदा, कितनी क्वांटिटी में खरीदा, किस प्राइस से खरीदा, वो सारा रिकॉर्ड रखता है। और जो स्टोर मैनेजर है उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मटेरियल को सही तरीके से अरेंज करके रखे ताकि जब उनको ऑर्डर मिले या तो फैक्ट्री से उनको रिक्विजिशन आए तो वो वही मटेरियल सप्लाई करेंगे जो उन्होंने पहले खरीदा था। तो मिक्सअप हो गया तो ये मेथड नहीं चलेगा। इफ द प्राइस ऑफ द मटेरियल परचेस फ्लक्चुएट्स कंसिडरेबली, फ्लक्चुएट्स मतलब चेंज होना, इट इन्वॉल्व्स मोर क्लेरिकल वर्क एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। रोज मटेरियल का प्राइस बदल रहा है, जैसे कि सीमेंट अगर हम खरीद रहे हैं, मान लो कल सीमेंट का 400 रुपीस प्राइस था, आज 410 हो गया, कल 420 हो गया, फिर कम हो गया 410। रोज अगर ऐसे फ्लक्चुएशंस होते हैं और मान लो हम रोज मटेरियल खरीदते हैं तो ये मेथड बहुत क्लेरिकल वर्क बढ़ा देगी स्टोर मैनेजर का,
और कॉस्ट कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और एरर्स भी हो सकते हैं जो अभी एक्सरसाइज में हम देखेंगे. इन अ सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट इज अंडरस्टेटेड. अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रही है तो उस केस में प्रोडक्शन की कॉस्ट हमारी कम आएगी. एक्चुअली एडवांटेज है कि हम कौन सा मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, हम वो वाला मटेरियल पर सप्लाई कर रहे हैं जो हमने पहले खरीदा था जब प्राइस कम थी. अब वही मटेरियल हम सप्लाई कर रहे हैं तो जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, अंडरस्टेटेड होगी, लेस आएगी. नो डाउट इससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा पर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम दिखेगी, जो रियलिटी में कम नहीं है क्योंकि अभी मार्केट में प्राइजेस बढ़ चुके हैं मटेरियल में. तो अगर मार्केट में प्राइजेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं मटेरियल का और आप पुराना वाला मटेरियल सप्लाई करके उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम दिखेगी, जबकि रियलिटी में वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है क्योंकि मार्केट में मटेरियल की कॉस्ट बढ़ चुकी है. तो ये इसके डिसएडवांटेज को इस तरीके से लिया है. आप इसी पॉइंट को एडवांटेज में ले सकते हो कि इन दिस मेथड इन द राइजिंग प्राइसिंग कॉस्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट इज अंडरस्टेटेड सो अवर प्रॉफिट वुड बी मोर, हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा. तो दोनों जगह भी इसको लिख सकते हो. इन इन्फ्लेशनरी मार्केट देर इज अ टेंडेंसी टू अंडर प्राइस मटेरियल इश्यू. वही चीज है कि मटेरियल की प्राइस कम काउंट होगी यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है मार्केट में मटेरियल की प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है. अब हम जब कॉस्ट डिसाइड करेंगे तो पुराने वाले मटेरियल की कॉस्ट लेंगे जब हमने कम प्राइस में खरीदा था, तो अंडर प्राइसिंग का इश्यू यहाँ पे आ सकता है. अब उससे रिवर्स लिया है डिफ्लेशनरी मार्केट, मतलब ऐसा मार्केट जब मार्केट में प्राइस कम हो रही हो. तो डिफ्लेशन अगर मार्केट में चल रहा है तो होगा क्या, मार्केट में मटेरियल की प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल हो रही होगी. अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, पुराना वाला मटेरियल सप्लाई करते हैं. तो डिफ्लेशन में तो क्या हुआ होगा, हमने जब खरीदा तब प्राइस हाई होगी, अभी इसकी प्राइस कम हो गई होगी. तो डिफ्लेशनरी मार्केट में इसका डिसएडवांटेज क्या है, देयर इज अ टेंडेंसी टू ओवर प्राइस सच इश्यू, क्योंकि हमने जब खरीदा तब प्राइस ज्यादा थी तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगी, और या तो किसी को हम सप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा प्राइस से हम सप्लाई करेंगे. सो दोनों मार्केट को कंसिडर किया है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. सो मोर देन वन प्राइस हैज टू बी अडॉप्टेड फॉर अ सिंगल इश्यू ऑफ मटेरियल. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही मटेरियल के लिए दो प्राइस चार्ज करनी पड़ती है. मान लो हमने 1000 यूनिट खरीदे हैं 10 रुपये के हिसाब से, और दूसरे 1500 यूनिट हमने खरीदे हैं 1500 रुपये से. एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 यूनिट हमने 10 रुपये की कीमत से खरीदे हैं और 1500 यूनिट हमने 15 रुपये की कीमत से खरीदे हैं, तो हमारे पास टोटल 2500 हो गए. अब हमको ऑर्डर आ रहा है, सपोज कस्टमर का ऑर्डर आया है कि हमें उसको मान लो 2000 यूनिट सप्लाई करने हैं. तो हम क्या करेंगे इस मेथड में, पहले जो 1000 यूनिट खरीदा था 10 वाला वो प्राइस से सप्लाई करेंगे, और बाकी का जो 1000 देना, क्योंकि टोटल 2000 देना है, तो बाकी का जो 1000 देंगे उस पर 15 रुपये चार्ज करेंगे. तो इस तरीके से जब कभी ऑर्डर आता है या तो फैक्ट्री में से जब रिक्विजिशन आता है मटेरियल का, तो सेम मटेरियल की अलग अलग प्राइस चार्ज होगी इफ वी हैव परचेज द मटेरियल एट डिफरेंट डेट एट डिफरेंट प्राइस. तो ये इश्यू यहाँ पे आता है. ये सारी चीजें आप अभी एक्सरसाइज में इजीली समझ जाओगे. सुटेबिलिटी, ये मेथड कहाँ पे सुटेबल है. सो दिस मेथड इज मोर सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ रॉ मटेरियल इज लार्ज एंड बल्की. जब आप लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल खरीदते हो तब, एंड इट्स प्राइस इज हाई and can be easily identified in the stores separately. This method is useful when the frequency of material received is less, मतलब बार बार आप material नहीं खरीद रहे हो, and the market price of the material are stable and steady, तब ये method काम में आएगा. अगर market price continuously change हो रहा है, आज बढ़ रहा है कल कम हो रहा है, तो फिर large quantity में खरीदने की जरूरत नहीं है. हमें क्या करना चाहिए, हमें तभी खरीदना चाहिए जब market में price कम हो.
So this method is suitable when the prices are stable, and when we are purchasing in the large quantity, then this method is suitable. तो ये हो गया first in first out method. अब उसका exercise ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा idea आ जाए. तो exercise समझते हैं, बाद में हम दूसरी method के ऊपर जाएंगे. तो see here one illustration is given. इससे आपका जो doubts है वो थोड़े clear हो जाएंगे. At the beginning of October 2009, Quality Brush Company had in stock 10,000 brushes valued at rupees 10 each. तो इस कंपनी के पास 10,000 brushes already पड़े हुए, एक material है, 10 रुपए के हिसाब से उनके पास ये material already पड़ा हुआ है, मतलब भी उनका stock already है, 10,000 units है, 10 रुपए के हिसाब से. फर्दर परचेसेस वर मेड ड्यूरिंग द मंथ एज फॉलो. अच्छा, उन्होंने जो परचेस किया है वो भी दिया हुआ है. 7th अक्टूबर को उन्होंने 4,000 ब्रशेस खरीदा 12.50 के हिसाब से, 12.50 पर यूनिट, ऐसे 4,000 खरीदा. 14th अक्टूबर को उन्होंने 6,000 ब्रशेस खरीदे एट रुपीज 15 ईच, और 20th अक्टूबर को उन्होंने 8,000 ब्रशेस खरीदा है 16.50 के हिसाब से. तो उनके पास आप देखो पहले 10,000 यूनिट था ब्रश का, फिर उन्होंने फिर से 4,000 यूनिट खरीदा, फिर 6,000 यूनिट खरीदा, और फिर 8,000 यूनिट खरीदा. तो इस तरीके से उन्होंने मटेरियल परचेस किया हुआ है. ब्रश इज देयर मटेरियल, तो ये उन्होंने परचेस किया हुआ है. अब इश्यू कैसे किया है, तो देखो इश्यू टू द शॉप फ्लोर, मतलब फैक्ट्री में उन्होंने इश्यू किया, सप्लाई किया ये जो मटेरियल है वो. 16 अक्टूबर को 16,000 ब्रशेस सप्लाई किए. अब हमें ये डिसाइड करना है कि किस प्राइस से हम सप्लाई करेंगे, क्योंकि अलग अलग प्राइस से हमने खरीदा हुआ है. तो फीफो मेथड में हम जो फर्स्ट खरीदा है वो पहले सप्लाई करेंगे और वो वाली प्राइस लगाएंगे. फिर 28 अक्टूबर को 10,000 ब्रशेस सप्लाई किए है, इसमें भी हमें डिसाइड करना है कि कौन सी प्राइस से हम सप्लाई करेंगे. अब हमें यहाँ पे बोला है कि यू हैव टू प्रिपेयर द स्टोर्स लेजर अकाउंट, फीफो मेथड से बनाना है. तो देखो क्वेश्चन आपके सामने एकदम सिंपल सा दिया है कि 10,000 यूनिट 10 रुपीज वाले ऑलरेडी पड़े थे हमारे पास, फिर हमने 4,000 6,000 और 8,000 ब्रशेस खरीदे है डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस से. तो ये हमारा प्राइस किस प्राइस से खरीदा है वो इसका डिटेल्स है. फिर हमने सप्लाई कब किया, डेट वाइज सप्लाई दिया है, पहले 16,000 और 10,000. तो इसकी क्या प्राइस लगाओगे वो हमें यहाँ डिसाइड करना है, और यहाँ पे हम जो भी स्टोर लेजर बनाएंगे वो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाएंगे. तो स्टोर लेजर बनाना किस तरीके से वो देख लेते हैं. तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, उसके कॉलम समझ ले पहले. तो सबसे पहला तो ऊपर आपको टाइटल देना है स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड, जो भी मेथड हो मेथड का नाम लिखना है. तो आप आपके माइंड में ये रखोगे कि जो फर्स्ट आया है मटेरियल वो पहले हम सप्लाई करेंगे जब भी ऑर्डर आएगा. उसमें पहले तो डेट लिखेंगे क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है. रिसिप्ट लिखेंगे, रिसिप्ट में आपको तीन कॉलम बनाने हैं, कितनी क्वांटिटी आपने परचेस की, किस रेट से खरीदी और टोटल वैल्यू. फिर इश्यू मतलब जो आपने सप्लाई किया मटेरियल जब ऑर्डर मिला था, उसमें भी लिखना है कितनी क्वांटिटी सप्लाई किया, किस रेट से किया और अमाउंट, यही मेन चीज है. और बाद में हमें लिखना है कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा है मटेरियल सप्लाई करने के बाद, कितना बैलेंस हमारे पास बाकी बचा है वो हमें यहाँ पे बताना है. तो ये है कॉलम्स, एग्जाम में आपको इसी तरीके से बनाना है. डेट, रिसीप्स, इश्यू मीन सप्लाई एंड रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द मटेरियल. रिसिप्ट में भी तीन कॉलम आएंगे, कितनी क्वांटिटी खरीदा, किस रेट से खरीदा और क्या वैल्यू थी टोटल. इश्यू में भी आपको यही तीन कॉलम बनाने हैं, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट बैलेंस में भी बनाना है. तो ये स्टोर लेजर अकाउंट इस तरीके से बनता है, पहले तो आपको ये समझना है. अच्छा, अब इतने सारे कॉलम्स हैं तो आप जब एग्जाम में इसको सॉल्व करोगे तो आप वर्टिकली लिखते हो ऐसे तो पेपर में, इसके लिए आपको आपका पेज
हॉरिजॉन्टली लिखना है क्योंकि ज्यादा स्पेस के लिए हमको पेज को उल्टा कर देना पड़ेगा. तो इन एग्जाम प्लीज राइट इन द हॉरिजॉन्टल वे, या तो दो पेज सामने सामने ले लो और उस तरीके के पेज में आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. नाउ वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट, सो इन द नेक्स्ट मीटिंग आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस एक्सरसाइज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. Thank you.